टू माई यूट्यूब चैनल मूव लाइक तेजस। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं रिलेटिव के यहाँ रुकूँगा तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग या कुछ भी व्लॉग नहीं बना पाऊँगा। तो अभी सुबह सुबह मैं निकल रहा हूँ डेरी ऑन सून से लखनऊ के लिए, और आज देखता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाता है, मगर उम्मीद है कि लखनऊ तक ही हम पहुँच पाएंगे क्योंकि रात हो जाएगा और रात में मैंने डिसाइड किया है कि गाड़ी मैं नहीं चलाऊँगा। सो अभी निकल रहे हैं वाराणसी होते हुए लखनऊ की ओर, अपना रूट यही रहेगा। और ओहो अंकल जी क्या बात है, ओहो सब कोई इतने घूर रहा है, ओहो ओहो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। तो ये हो सकता है ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनके लिए ये नया होगा, कोई ऐसा होगा नहीं इस एरिया में जो इस तरह से गेयर अप होके और पूरा हेवी बाइक लेके घूमने निकलता हो। तो अभी हम न्यू एरिया में, न्यू एरिया से निकल के सीधा जाएंगे हम जीटी रोड से पकड़ के निकलेंगे हम वाराणसी, वाराणसी होते हुए हम लखनऊ जाएंगे। तो ये है अपडेट, तो मिलते हैं सीधे रोड पे और आपको दिखाते हैं नज़ारे जो भी सामने आएंगे बेहतरीन से बेहतरीन। तो चलिए मिलते हैं सीधे जीटी रोड पे। डे टू, टोल नंबर वन। अपने को दिक्कत ये है कि बैग कहीं सेट ना जाए, निकल गया। लास्ट टाइम जब बनारस जा रहा था भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा जाम था यहाँ पे। टोल नंबर टू, दो नंबर टोल। स्ट्रीट आर फिल विद द इडियट्स। एक इडियट से भी मेरा सामना हो चुका है, उसके बाद से मूड ख़राब है, इसलिए ब्लॉग ही नहीं कर रहा मैं। क्या ही बोलूँ, मतलब इतना कह सकता हूँ कि एक प्रॉब्लम में फंसते फंसते बचा हूँ। बाबा का आशीर्वाद था कि कुछ हुआ नहीं बड़ा, और बाबा से प्रार्थना है कि सेफली हम ये वाला चार धाम कर लें, उनका आशीर्वाद का बहुत ज़रूरी है। महादेव कृपा करना। महादेव का नाम लेके हम चले चार धाम। तो यहाँ पे जाम लगा हुआ है, किस चीज़ का जाम है ये पता नहीं, आगे चलते हैं देखते हैं किस चीज़ का जाम है। ओके जनरेटर चढ़ाया जा रहा है, उसका जाम है। तो हम बनारस पहुंच गए हैं और अभी गंगा नदी के ऊपर से पार करेंगे।
गंगा नदी, हर हर गंगे, माँ गंगे की जय। अभी माता रानी से आशीर्वाद मांगेंगे कि हम गंगोत्री के दर्शन अच्छे से कर पाएँ, चार धाम में से एक धाम वो भी है, तो माता रानी अपना कृपा आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना कि अच्छे से हम आपके दर्शन करके आएँ। आज का टॉल नंबर 3 है शायद, आप लोग गिन लेना, याद नहीं आ रहा मेरे को 3 है कि 4 है, मेरे ख्याल से 3रा नंबर ही है। तो इधर बनारस चला जाएगा और ये चला जाएगा चुनार। तो थोड़ा चेंजेस है अपने प्लान में कि अपना जो सैडल बैग है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, उसको ठीक कराने के लिए हमें जाना पड़ेगा चुनार। चुनार जाना ज़रूरी नहीं है, मगर चुनार में मेरा नानी घर है तो वहाँ आराम से हो जाएगा, इसलिए मैं उधर जा रहा। तो चुनार पहुँच गए हम लोग, फिर से आपको गंगा नदी के दर्शन कराते हैं जो कि चुनार का है। वो चुनार किला है जो उधर दिख रहा है और ये है गंगा नदी चुनार का। तो काफ़ी समय चुनार में रुक गए, मेरे को लगता है 2-3 घंटे लग गया बैग के चक्कर में। तो अभी बज रहा है 2:30, अब निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। आज वहीं स्टॉपेज करने का चांसेस है कि आज लखनऊ में स्टॉप करेंगे, स्टे वहीं होगा और फिर कल चलेंगे तो हरिद्वार में रुकेंगे और परसों हम पहुंचेंगे जानकी चट्टी। तो आज हो गया 6-7-8 को जानकी चट्टी में होंगे हम। तो अभी निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। ये है गंगा नदी, जाने समय भी दिखाया था, आते समय भी दिखाया था, जाने समय भी दिखा रहे। और वो सामने किला है चुनार किला, आने समय अगर समय मिला तो ज़रूर दिखाएंगे चुनार किला, बहुत सुंदर है। आज का टोल नंबर 4 या 5 कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम्स आ गया था, उसको ठीक कराने में थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, बट 4 या 5 नंबर है ये। अब काफ़ी लेट हो गए, जो प्लान के साथ चल रहे थे वो प्लान हुआ नहीं है। आज माइट भी हम लखनऊ में रुकेंगे, वो भी लग रहा है कि 9 बज जाएगा पहुँचते बस से लखनऊ। किलोमीटर्स मोर टू गो, आज लगता है कि 8:30 बज जाएगा। ओ भाई, बम का बुरा हाल हुआ है, रेगुलर लगता है राइड करना पड़ेगा, ये बीच बीच में मार देते लंबे राइड, आदत बिगड़ खराब हो गया बम का ना। तो ये दर्द सब राइडर के साथ होता है, मेरे साथ भी है, बहुत दर्द है भाई, बहुत दर्द है।
तभी सफल होगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, प्यार देंगे अपना, तो ये दर्द को फिर सब सफल हो जाएगा, दर्द का सब सफल होगा। तो कर देना यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और ये नज़ारे देखो, नज़ारे क्या नज़ारे, क्या नज़ारे। पहाड़ की ओर जा रहे हैं, पहाड़ भी आपको दिखाएंगे, तब तक आप ये नजारे को एंजॉय करो। हर हर महादेव, बोल पा। नाम लेके, महाकाल का नाम लेके, हर हर शंभू का नाम लेके चले हम चार धाम। हर हर शंभू। सीधा चला जाएगा कानपुर दिल्ली, लेफ्ट चला जाएगा लखनऊ इलाहाबाद और सीधा आगरा। तो अपने को लेफ्ट हो जाना है। तो कानपुर दिल्ली का है, उसमें नहीं जाना अपने को। और यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे तो प्रयागराज। ओ ओ बम्पर बम्पर, ओह यस ठीक है। तो ये प्रयागराज चल जाएगा और ये चला जाएगा लखनऊ। तो ये NH30 है जिसके लिए जो लखनऊ की तरफ जाता है, NH30 जो लखनऊ की तरफ जाता है। ये कौन सा जगह है ये भी पता किया जाए। अच्छा खुल गया है, भाई का भला हो, बता दिया खुल गया है, अच्छा हुआ भाई। तो भगाते जा रहे थे गाड़ी, अभी फिलहाल ऐसे फंसा देते।
नवाबगंज अटारामपुर प्रयागराज, यह है लोकेशन। एक और टोल नंबर 8 का एक और आगे का नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहा था तो सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। उधर सनसेट हो रहा है, वो भी काफ़ी सुंदर है। बीच बीच में आ रहा है खेत और सूरज की रोशनी, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये रोड भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, तो मैं सोचा कि आपको भी दिखा दिया जाए। तो ये है लखनऊ रोड, और अभी हम लोग को 153 किलोमीटर जाना है लखनऊ पहुँचने के लिए। और समय दिखा रहा है कि 8:30 बजेगा पहुँचते। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, फिर वहां जाके होटल भी देखना है बजट में, और फिर होटल लेके स्टे करना है। कल सुबह निकलेंगे तो कोशिश करेंगे कि हरिद्वार से जितना आगे हो सकता है कवर करेंगे। और यही है अभी तक का अपडेट। काफ़ी दिन बाद राइड कर रहा हूं, तो बॉडी थोड़ा सा पेन कर रहा है, खास करके पीठ पता नहीं क्यों। और बम तो वो तो नॉर्मल है, हर राइडर्स का बम हमेशा ही दर्द देता है। उसके लिए कुछ आता है वो भी खरीदना पड़ेगा लगता है। काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ रहा है यार राइड, ये शॉप बड़ी महंगी शॉप है। तो पीठ पता नहीं क्यों, पीठ नहीं का एक्चुअली शोल्डर क्यों इतना दर्द दे रहा है समझ में नहीं आ रहा है। होता नहीं है मेरे साथ, शोल्डर दर्द दे रहा है। तो शोल्डर का देखना पड़ेगा, आज रेस्ट करूँगा तो शायद थोड़ा आराम मिले। तो ब्रेक पैड में प्रॉब्लम आ रहा था, वो उसको चेंज करना हो। अरे बहुत भारी, अकेले नहीं होगा, उसको नहीं पकड़े टूट जाएगा। क्या उसको फुल स्टैंड में खड़ा करना है? बहुत भारी है। पीछे का नहीं, आगे का नहीं, पीछे का। हाँ आगे का नहीं करना, आगे का ठीक चल रहा है, पीछे का हमको लगता है घिस गया। क्या दिक्कत, क्या कर रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा दब जा रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ बहुत ज़्यादा दब जा रहा है। लेदर अभी है, लेदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ब्रेक पैड तो चेंज नहीं हुआ है, ब्लीडिंग कराया है मैंने, और देखते हैं उसको कैसा रहता है। अगर नहीं होगा तो फिर आगे कोई रॉयल एनफील्ड का वर्कशॉप दिखता है तो वहाँ पे करवाएंगे। लाइट वगैरह भी ठीक करा लिया है लगभग, लेट्स सी कैसा रहता है। भैया ठेलना होगा थोड़ा सा। टॉल नंबर 7 या 8
तो करीबन 9:30 के लगभग पहुंच गया था लखनऊ। लखनऊ से थोड़ा सा पहले ही होटल ले लिया क्योंकि आगे जाके लूँ या यहाँ लूँ बात एक ही पड़ता है। तो 11 किलोमीटर लखनऊ दिखा रहा था बट 11 किलोमीटर से पहले ही मैंने होटल ले लिया, द स्काई व्यू होटल या स्काई व्यू होटल ऐसा कुछ नाम है, तो उसमें एक रूम ले लिया है और अभी यहीं स्टे कर रहा हूँ। कल सुबह हरिद्वार निकल रहे हैं तो थक गया था बहुत ज़्यादा, सोऊंगा अभी। आज भी 500 किलोमीटर के लगभग का रनिंग हो चुका है। तो यही था अपडेट, आज हो गया डे 2, कल डे 3 हरिद्वार एंड डे 4 जान की चट्टी। तो यही था अपडेट, मिलते हैं कल सुबह सीधे रोड पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और